सुपर जर्नी, कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला, कब शुरू हुआ ये मुझे बिल्कुल पता था. एंड जब व्हेन आई सॉ दिस रॉ टैलेंट एंड आई सॉ द मतलब आई हैव सीन द अदर रियलिटी शोज, द जजेस यू नो एट टाइम थोड़े हार्श हो जाते हैं, थोड़े होते, बट आवर थ्री जजेस दे आर सो गुड. मतलब टैलेंट जो हमारे थे वो तो सुन ही रहते, मैं भी बैठे बैठे से सुनते ही रहता हूँ उनको. एंड स्पेशली सुश को आई लव यू. ओके सुदीपा, हाउ कैसे लगा मेरे साथ? मैं सबसे एक बहुत ही आपके साथ बहुत अच्छा लगा, वो तो मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या अच्छा लगा. 22 अगस्त को ये शो आ रहा है, 23 अगस्त को मेरा बर्थडे है, सो आई विल टेक इट. मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि मुझे लग रहा है कि वो ऊपर वाले ने, गॉड्स बीन वेरी वेरी काइंड टू मी, कि ये शो मेरा बर्थडे गिफ्ट की तरह मैं इसे लूँगी. एंड जब ये शो के बारे में आई थिंक हम मिले भी नहीं थे, मैं एक महीना पहले किसी को कह रही थी कि हम सब लड़कियाँ, जो भी इंडिया में लड़कियाँ हैं, सुष्मिता सेन जी को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने इन जैसी स्ट्रॉन्ग एक औरत, एक लेडी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी, तो प्लीज़ ज़ोरदार तालियाँ इनके लिए. एक महीना पहले मैंने ये बात कही कि आई रियली वॉन्ट टू मीट हर अगर मुझे ज़िंदगी में मौका मिला, और आई थिंक उसी हफ्ते के अंदर अंदर मुझे चैनल से कॉल आया ऐसा एक शो आ रहा है, और मुझे पंकीता ने बोला यू नो हु इज़ द जज, वन ऑफ आर जजेस सुष्मिता सेन. आई वॉज सो हैप्पी. तो सबसे पहले ये जो सब टी वी अनुज सर, आपने मुझे इस नाचीज़ को इतने काबिल समझा कि मैं शो को होस्ट कर सकती हूँ. सब टी वी इज़ लाइक अ फैमिली, और एक मौका मुझे दिया, थैंक यू सो मच. और इसके बाद जब शो में शुरू होना था, मैं इन प्रोड्यूसर्स को मिलना था, जब मैं इनको मिली मुझे लगा एक घंटे में मीटिंग होगी, लेकिन आई थिंक वी सैट फॉर ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स. और सबसे अच्छी बात जो मुझे इन दोनों की लगी, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वर्क विद देम, दे आर सो हम्बल, एंड फर्स्ट थिंग जो मुझे पंकिता मैम ने कहा, वी आर गोइंग टू वर्क लाइक अ फैमिली, तो इट वॉज लाइक अ फैमिली, एंड बहुत बहुत मज़ा आया. एंड प्लीज़ जजेस को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाली हूँ, सोनू सर, सुष्मिता मैम, शेखर सर, हम बहुत डरे हुए थे, आप जैसी इतनी अच्छी शख्सियतों के साथ हमें काम करने का मौका मिलने वाला है, आई वॉज रियली स्केयर्ड. बट जय बताओ कैसा? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डर तो रहा था, एंड जैसे तूने कहा कि एक महीने पहले तूने किसी को बोला था एंड यू गॉट दिस थिंग, मुझे तो रातों रात मतलब करिश्मा हुआ है ऊपर से. एंड बट व्हेन आई सॉ आवर जजेस, मैं ऑलरेडी बहुत डरा हुआ था, बट थैंक यू सो मच, यू गाइस हैव एक्सेप्टेड मी द वे आई एम विद ऑल माय फंबल्स एंड टंबल्स एंड व्हाटएवर इट वाज, पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे. एंड अनुज सर एंड एमपी सर, इट्स ऑलवेज अ ट्रीट यू नो टू वर्क विद देम. अनोखे अवार्ड्स हो या यू नो दिस शो, मतलब इट्स लाइक अ पॉजिटिव एटमोसफियर थ्रू आउट. जब मैं अनोखे में भी था, मतलब फर्स्ट सर इफ़ यू रिमेंबर, अनोखे अवार्ड्स मैंने होस्ट किया था, एंड मतलब ऐसा लगता नहीं है कि यू नो कोई सर पे बैठा है कि चलो ठीक करो, अच्छा गंदा किया कोई बात नहीं, वेरी गुड और करो, कोई नहीं. सो यू ऑलवेज फील वेरी गुड. एंड अरुण सर एंड पंकिता, दे आर लाइक फैमिली, एंड ऐसे सबके सामने नहीं डांटते हैं, अलग से लेके जाते हैं कोने में, फिर डांटते हैं, फिर समझाते हैं प्यार से, ठीक है ऐसा करना, वहाँ जाके हंसते रहना, ओके. बट ब्रिलियंट दे आर, मोर देन प्रोड्यूसर्स, आई थिंक दे वर यू नो सपोर्टिंग अस, दे वर गाइडिंग अस, एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. एंड एक और चीज़ मैं ऐड की, और जो बेस्ट चीज़ थी, हमारे जजेस जो भी सेल्फ मेड थे, तो वो भी कंटेस्टेंट्स जजेस के साथ रिलेट कर पाते थे, सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट. एंड जजेस वी लव यू, सीरियसली, वी लव यू, कम ऑन गाइस. So finally, the much loved judges, starting with ladies first, Ms. Sen. ऐसा है. Good evening, ladies and gentlemen, members of the press. अच्छी आ रही है ना फोटो? ये लाइट बेहतर है. सामने आओ. इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, पंकिता और अरुण ने हमें नाम दिए थे शो में, माइंड बॉडी एंड सोल. सो नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, सोल मैं हूँ. बॉडी, mind, soul, and we will begin
with the mind today. Sir, please. No, I don't mind that. जितना भी शो के बारे में आपने देखा और सुना और जो भी कहा गया, मेरे ख्याल से सारी बातें आप लोगों के सामने हैं और इसके बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा क्योंकि आई थिंक द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग. लेकिन ये ज़रूर है कि किसी भी एक अच्छे शो की बुनियाद जो है वो अगर अच्छी हो तो हर चीज़ जो है वो बेमिसाल हो जाती है. जब लोग जो लोग इसके पीछे हैं, जो लोग इसे बनाते हैं, उनकी जो मानसिकता है, उनका जो एटीट्यूड है, वो बहुत मैटर करता है एक शो को अच्छा बनाने के लिए. तो पंकिता, अरुण, ये लोग जब सामने आए और इन्होंने शो पर विश्वास दिखाया कि मुझे इस तरह का शो करना और एक अलग किस्म का शो करना है, तो उस विश्वास के साथ हमारा विश्वास जुड़ गया और उस विश्वास के साथ एक महाविश्वास जुड़ा जो सोनी सब का था, जो अनुज का था, एनपी का था. सोनी सब की जो बुनियादी बातें हैं, जो अपना एक जो विश्वास है, उसके साथ हम आगे बढ़े और वो शो जो है एक अलग किस्म का शो हो गया. हमें मालूम है कि आपका पहला प्रश्न ये होगा कि ये शो और शो से अलग कैसे है. वो आप देखेंगे तो पहचानेंगे, उसके बारे में ज़्यादा कहा नहीं जा सकता. लेकिन ये एक सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं है, ये एक इमोशनल शो भी है. ये एक सफ़र की कहानी है, एक जर्नी की कहानी है, एक छोटे शहर से आए एक 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 इंसान की कहानी है जो बड़े ख्वाब लेके आता है, जिसे बम्बई जैसे शहर में एक मंच मिलता है, जिसे सुष्मिता सेन और सोनू सूद जैसे जजेस मिलते हैं और वो वहाँ खड़े होकर परफॉर्म करता है और अपने अपने अंदर के जो लेटेंट टैलेंट है, अपने अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा है, उसको पहचानता है. बड़ी खूबसूरत जर्नी जो आखिर में जब हम लोग पहुंचे तो हमने खुद ही उन कंटेस्टेंट्स को कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप वही कंटेस्टेंट्स हैं जिनके साथ हमने शुरुआत की थी 3 महीने पहले. कॉमिक टैलेंट के अलावा उनकी अपनी एक जर्नी, उनके अपने जज्बात, उनकी कहानी, उनके रिश्तों की कहानी, उनका नाचना, उनका गाना. और हमने कहा कि आप मिस यूनिवर्स के साथ हैं तो आप रैंप वॉक भी कर सकते हैं, नहीं तो बाकायदा उन्होंने करके इनके साथ चल के दिखाया और कंधे से कंधा मिलके चल के दिखाया. तो मुझे लगा कि ये एक शो नहीं, एक फिनिशिंग स्कूल की तरह है जहां हमने लोगों को ग्रूम किया, उनके सपनों को मुकम्मल बनाया, उनके सपनों को साकार किया है. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम व्हाइल यू आर ग्रूमिंग व्हाट नॉट टू डू. सब लोगों को मालूम होता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. और इन लोग इतने अच्छे लोग थे, सब बातें उन्होंने सुनी और सुनने के बाद उसको अपने अपने परफॉर्मेंसेज में इनकॉर्पोरेट किया. और सबसे अच्छी बात की हमेशा कॉमेडी शो से ये जाने क्यों होता है कि हंसाने की होड़ में लोग फूहड़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अश्लीलता आ जाती है बातों में, कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसे ख्यालात, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे विषय चुने जाते हैं जो एक पारिवारिक माध्यम होते हुए और परिवार के साथ जब लोग देखते हैं तो बहुत एम्बैरेसमेंट होती है. और ये हम बताना चाहते हैं कि एक क्लीन और हेल्दी एंटरटेनमेंट और मनोरंजन भी पॉसिबल है और वो सिर्फ और सिर्फ सोनी सब पे हो सकता है. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर. थैंक यू. आप लोग इतने चुप कैसे बैठ सकते हैं? इट्स अ कॉमेडी शो, रिलीज ऑफ अ कॉमेडी. यस या या. नाउ बाकी प्लीज. एक वजह थी इस शो को करने की, सबसे पहली वजह कि लोग जब भी टीवी देखते हैं, इवन फिल्में, जब हम फिल्में देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सारे समाचार बहुत नेगेटिव और दुखदाई होते हैं एंड दैट सेल्स अनफॉर्चुनेटली. बहुत कम ऐसा होता है कि आपको एक ऐसा मौका मिलता है जहां पर आप लोगों को खुश कर सकें, उन्हें मुस्कुराते हुए फील कर सकें, इवन इफ इट्स इन देयर लिविंग रूम्स. जब ये शो पंकिता और अरुण, ये वैसे दोनों बहुत बदमाश हैं, सब बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन हम आपको इनकी बदमाशी बताते हैं. ये इतने बदमाश हैं कि इन्हें ना सिर्फ एक फॉर्मेट, एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका पता है टेलीविज़न पर, बट ये भी जानते हैं कि कैरेक्टर्स को कैसे पिक किया जाए, चाहे वो कंटेस्टेंट्स में हो या जजेस में. और जैसे ही इन्होंने डिसाइड किया कि एंड दे ब्रॉट द शो टू अस, व्हाट ब्लू माय माइंड वाज द फैक्ट दैट, well, I'd worked with them before, so they were a fantastic team. It was a comedy show, जो इतना साफ होने वाला था, लोगों को इज्जत देने वाला था,
जैसे सर कह रहे थे, कोई अश्लीलता नहीं हो जिसमें. हिंदी में था, सो दैट आई हैड टू वर्क ऑन. और मैं ये कहना चाहूँगी कि सर ने बड़ी मदद की है, क्योंकि बीच बीच में मैं अर्थार्थ शो में करती थी और फिर वो मुझे अर्थात बताते थे, फिर मैं इंग्लिश में सुन के फिर हिंदी में अर्थात बताती थी. तो ऐसा बहुत कुछ है शो में, रखेंगे कि नहीं मालूम नहीं, बट यू मस्ट सी, काबिले तारीफ हिंदी बोली है मैंने और कोशिश की है. सो थैंक यू पंकिता एंड अरुण फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. दे आर सो गुड एट व्हाट दे डू. थैंक यू सो मच सब टीवी, बिकॉज आप लोग जो कॉन्टेंट तैयार करते हैं, जो लोगों तक पहुँचाते हैं, वो इंसान क्या दिन, एक मोमेंट से ज़िंदगी बदल देता है. Because you bring positivity, you bring happiness, you bring a state of joy and clean entertainment. Something jo main aur mere bacche pura khandan saath mein baith ke dekh sakta hai, and that's a fact. To have given me this honor and privilege to be a judge on this show is something I will always cherish. I have loved being on this show amazingly. I got two incredible judges. The very handsome Dole Shole Shekhar Suman. Mr. Shekhar Suman is, when you say comedy and you say talent, he epitomizes that. Agar main ye hindi mein bolne ki koshish karu to mujhe phir arthat bolna padega. So he epitomizes that. He is a living legend of his own genre. And unke baju mein baithkar maine itna seekha hai about how to deal with people, how to encourage them, how to back them, how to even shout at them to make them do better. He's been an absolute epic teacher. Thank you so much, sir, for this wonderful Thank honor. Thank you so much. The one with the very tez mind and the very tikhi eyes. Mr. Sonu Sood. Unfortunately, itne saalon mein mujhe inke saath kaam karne ka mauka nahi mila, jis industry se hum hain. And then television and sub TV and Arun and Pankita hame le aaye ek hi manch par. Hum ek dusre ke joote admire karte the har roz. Aaj bhi maine aate hi pucha ye kab laaye, to keh rahe kal leke aaye hain, bataye. He's a man with very good taste and very sporting. आप जब शो देखेंगे तो यू विल सी अ मैन हुज गॉट बिग मसल्स एंड एन इवन बिगर हार्ट. ही इज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब ऑन दिस शो एंड इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू सिट नेक्स्ट टू सच अ गॉर्जियस मैन. थैंक यू वेरी मच सोनू सू. टू ऑफ द मोस्ट स्पेशल पीपल ऑन दिस शो, जिनके बगैर ये शो इस हद तक दिल के करीब हो ही नहीं सकता था. माई डार्लिंग जय सोनी and my most beautiful and generous host Sudipa. Yes Janiman, I'll show you how to do it. Take your hands. Ek show ko karte waqt log ya to aakar apna kaam kar sakte hain ya wo enjoy kar sakte hain, aur wo farak dikhta hai. When you see this show, not a single person, including both of them, and I hope, please keep Jay ke fumbles. ये इतने character में हैं पूरे show में कि इन्होंने हर line के बीच में एक fumble डाल दी है, and that's so human. हर एक show को इतना polish किया जाता है, इन्होंने इतनी beautifully fumble किया है कि माशाल्लाह छा गए. सुदीपा एक ऐसी खूबसूरत presence है इस show पर कि वो दिल जीत लेती हैं सबका, including all the contestants and most importantly the contestants. Bahut chote chote shehron se aaye the with big dreams. Bahut mehnat ki hai, bahut zyada. Hum log pack up karke 11 ghante ke baad ghar jate the aur us 11 ghante ke baad unka phir se rehearsal shuru hota tha next shoot ke liye. Sote nahi the, khate nahi the, bas mehnat karte rehte the. I hope ladies and gentlemen of the media ke unke parivar jahan jahan bhi hai, पंजाब से बहुत हैं ये आप देखेंगे, और बंगाल से कोई नहीं था. मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात से. सबसे क्लोज बिहारी था इनके. दैट्स अ फैक्ट. बहुत दुख हुआ ये देखकर. लेकिन उन सबके परिवारों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने इतने कमाल के बच्चे बड़े किए हैं कि वो इस दुनिया में अपनी एक छाप इस कदर ही छोड़ जाएंगे
कि जितनी मेहनत, जितनी इज्जत से उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश की है, सब टीवी ने वो मौका दिया, हम सब ने उसमें हिस्सा लिया, लेकिन उनका हुनर है जो आपको कॉमेडी सुपरस्टार से एकदम मोहब्बत करवा देगा. यू आर गोइंग टू लव दिस शो एंड आई एम सेइंग दिस विद सो मच कॉन्फिडेंस बिकॉज जो चीज़ हम फील करते हैं वो एक्सप्रेस होता है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली एंड फॉर द लास्ट टाइम 1, 2, 3 वेल डन ब्रावो सोनू यू वेटेड अ लॉन्ग टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैं जब पंजाब से पहली दफ़ा आया अपनी पढ़ाई ख़त्म करके तो मेरे मदर ने एक चीज़ बोली थी कि जो आगे आपका सफ़र है बहुत लंबा है लेकिन वो उतना ही अच्छा होगा, उतना ही सुहाना होगा अगर आपके साथ सफ़र करने वाले लोग बहुत कमाल के होंगे. तो जो मेरा ये जो सफ़र था कॉमेडी सुपरस्टार्स को इतना कमाल का था क्योंकि मेरे जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में जितने लोग बैठे हुए थे, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम जय, सुदीपा, शेखर सर, सुष्मिता, अनुज सर जो हमारे इंजन थे, सिंह साहब हमारी गाड़ी को आगे लेकर जा रहे थे, एंड पंकिता एंड अरुण जो हमें ड्राइव कर रहे थे. तो मुझे पता था कि मैं बहुत ही काबिल हाथों में हूँ और इतना मज़ा आ रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि यू नो मैं आई ऑलवेज यूज टू लुक फॉरवर्ड कि मैं कब, यार अगर 2-3 दिन का गैप है कि यार शूटिंग कब है, अरे परसों शूटिंग है. अक्सर यू नो हमने सुना था, जो मैंने सुना था टेलीविजन में पहली दफ़ा शो जज किया तो मैंने सुना था कि बड़ा मुश्किल होता है, बहुत लंबे लंबे घंटे 12-12, 15-15, 20-20 घंटे शूट करते थक जाते हैं. लेकिन ये एक ऐसा सफ़र था जिसको मैं देखता था कि यार कब शूटिंग शुरू होगी. वी यूज़ टू लुक फॉरवर्ड कि हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, फिर वो मस्ती करेंगे, फिर सब लोगों से मिलेंगे और इतना मज़ा आता था. स्पेशली जितने हमारे कंटेस्टेंट्स थे, जो जैसे सुष्मिता ने बोला कि पंजाब से 5-6 लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पंजाब के सब साथी, मेरे शहर से एक लड़का था, तो शहर के वो सब चौंक्स, पंजाब की सब गलियाँ सब ताज़ा हो गई. यू नो हम मुंबई की ज़िंदगी में रोज़मर्रा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि यू नो क्या कुछ हमारे साथ हुआ. लेकिन उन लोगों को परफॉर्म करते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपनी पहली ऑडिशन देने आया हूँ, शायद मैं अपनी पहली परफॉर्मेंस दे रहा हूँ. तो ये यू नो आई हैव डन फिल्म्स इन ऑल द लैंग्वेजेस, बट मैं कहूँगा कि कॉमेडी सुपरस्टार मेरी ज़िंदगी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और हिस्सा रहेगा हमेशा. एंड जस्ट वॉन्ट टू थैंक एवरी वन फॉर मेकिंग दिस यू नो स्पेशल यू नो मोमेंट्स इन माई लाइफ. यू नो पंकिता, मुझे याद है पंकिता और अरुण जब पहली दफ़ा मेरे घर पर आए तो उन्होंने बोला कि यार सोनू बहुत मज़ा आएगा तुम्हें काम करते हुए. और मैं हर रोज़ याद करता था, स्पेशली जब ब्रेक होता था और इतनी कमाल की चाट खिलाते थे मुझे, तो मुझे विश्वास हो गया कि उन्होंने रियली मेरा बहुत ध्यान रखा. एंड थैंक यू सो मच पंकिता अरुण फॉर दैट. अनु सर लुधियाने तो हैं साढ़े, पंजाब दे, सॉरी फॉर द पंजाबी अगर नहीं हो तो पंजाबी विनियन सिंह साहब, तो पता ही नहीं चला. मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं लुधियाना मोगा में बैठे शूटिंग कर रहा हूँ. तो जब आपको आपके बाजू में यू नो एक तरफ विश नहीं ब्रह्मांड की ब्रह्मांड सुंदरी आपकी तरफ हो और दूसरी तरफ शेखर सर द गूगल आई वुड से जो हमारे चैलेंजी हम लोग गूगल बोलते हैं शेखर सर को, दोनों तरफ हो और यू नो सब कुछ सीखने को मिले हो और इतनी इतना यू नो खूबसूरत एटमॉस्फेयर हो और उसके साथ आपको पैसे भी खूब सारे मिल रहे हों तो क्या बुरा. Thank you so much for you know. अच्छा, खूब सारे मिले. Sir, can we have a joke about this? Can we look at the agreement once again? ये कह रहे हैं खूब सारे मिले. ये सब क्या हो रहा है? हमें ना खूब मिले ना सारे मिले. So thank you so much, and I know, I don't hope, I know that you'll enjoy the show and you'll love it. And watch out for season 2. वहाँ पे बंगाली ज़्यादा होंगे. जी. है ना? Thank you very much. Specifically mention here Manjeet, Richa, Sumbul and Kanishtha who along with Saeed have really put. Aur ab sawalon ka swagat. Sawal hai, humne to sab bata diya. Hello, sawal jitna tha show. Sir, ye discuss karte hain. Main nahi, wo ye ki way back jab ye Miss Universe bani thi, jitni aaj haseen lagti hain उतनी हसीन उस वक्त, आप मेरा हाथ पकड़ने जरा ऐसे, हाँ उतनी लगती थी. तो इनकी तस्वीर आई थी मिस यूनिवर्स ऐसे करके और हम पन्ने पलट पलट के और सभी लोग मेरे ख्याल से इनकी तस्वीरें देखा करते थे. तो एक बार जब इनकी तस्वीरें मैं पलट रहा था तो पीछे से पत्नी खड़ी थी, मुझे मालूम नहीं था, तो कह रही क्या देख रहे हो.
तो मैंने कहा नहीं ऐसे ही थोड़ा सा मतलब, तो बोले कि अच्छा सुष्मिता की तस्वीरें देख रहे हैं आप, बदगुमानी ये आपकी तरफ देखने वाले भी नहीं है। मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया और देखिए आज देखिए, तो ये मेरी खुशकिस्मती है। और वाकई में ये कह रहा हूँ कि ये इस लड़की पे, हमारे लिए अभी भी ये लड़की हैं और सबके लिए अभिमान है, और पूरे देश को, जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया, और ये हमारी पहली मिस यूनिवर्स है, जो आई थिंक इट्स अ ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का, जिस तरह से देश बाकी देश देखते थे, उसका पूरा एक रुख एक रवैया बदल दिया, और इन्होंने एक रास्ता बनाया जहां बहुत सारे दूसरे कंटेस्टेंट्स भी आ गए और जीत के वो क्राउन लेके आए। तो ये इनका बड़प्पन था कि और मैं जब इनसे मिला, तो आप भी जब मिलेंगे इनसे वन टू वन, जो इनको जानते हैं तो जानते, जो नहीं भी जानते हैं, इतना ठहराव और इतनी ग्राउंडेड हैं ये कि विश्वास नहीं होता है कि ये मिस यूनिवर्स हैं। आप कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन थोड़ी बहुत हेडी फीलिंग तो रहती है और थोड़ा बहुत एरोगेंस तो रहता ही है, लेकिन कहीं कुछ नहीं, सबसे मिलना, और हम लोगों से ही नहीं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो ऑडियंस हैं, सबके साथ जाके रोज़ मिलना। और जब भी मुझे शो में पूछा जाता था, इनके लिए भी और इनके लिए, मैं कहा कि मैं मुरीद इनका इसलिए हूँ क्योंकि इतनी ह्यूमिलिटी मैंने कभी किसी में नहीं देखी, इतनी अचीवमेंट के बाद कि इन लोग, ऐसा तो नहीं है कि एक्टिंग कर रहे हैं, और इतने लंबे वक्त तक तो एक्टिंग कोई कर नहीं सकता, तो ये इनके वजूद में शामिल है, इनके व्यक्तित्व में है ये बात। और इनके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार वाकई दिल से ज़ोरदार तालियां बजा भी कर, दे रियली डिजर्व इट। और एक बार चाहूँगा इन सब लोगों के लिए, ख़ास तौर पर अनुज कपूर के लिए, जिन्होंने इस शो पर विश्वास किया, उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां और सबके लिए। थैंक यू सो मच, सो वेल ऑफ यू, थैंक यू। अनुज जी इधर आपके सामने, सुष्मिता सेन जी, सोनू सूद, देखो सर पंजाब से आए हैं, सुनाओ क्या वजह है, कुछ देर से पंजाब के चक्कर काट जी, फर्स्ट सीजन पंजाब, ओके, बिल्कुल जी बिल्कुल, इट्स अ प्लेजेंट कोइंसिडेंस एक्चुअली, एंड वर्क्ड वंडरफुली फॉर अस, या फोर एक्चुअली, सुदीपा एज वेल, एज वेल, एंड सब टीवी, दिस इज सब टीवी, सोनी साहब, सोनी साहब, एंड सिंह साहब, हेलो, सब एसएस हैं, सब एसएस हैं। Hello, this is for Sony. Hello, this is for Sushmita here. I'd like to ask you that entertainer को आप किस तरह से define करेगी? What do you mean by entertainer? Entertainment? Yeah. How would I define entertainment? Yeah, yeah. Something that can reach a wide audience. Can hit you really deep. You can't define it. You can't put a format to it. Because anything can be entertaining as long as it is something that has a wide reach and a deep impact, one way or another. Make them laugh, make them cry, make them feel. As long as you can do that, you're going to entertain the hell out of people. entertainment ya entertainer ka matlab wo nahi hai jo sirf aapko hasaye. एंटरटेनमेंट का वो, एंटरटेनमेंट का दूसरा शायद एक शब्द होगा पर्यायवाची, इंगेजमेंट, जो आपको इंगेज कर ले, जब मैं परफॉर्म करूं या जो मैं कहूं और जिस मकसद से कह रहा हूं उससे अगर आपको इंगेज कर लूं तो आई एम एंटरटेनिंग यू। तो दो ये कॉमिक एंटरटेनर्स, मैं इनको जब कहा गया ये कमेडियंस हैं, तो मैंने कहा ये शब्द निकाल दीजिए, ये एक हल्का शब्द है, दे आर नो कमेडियंस, दे आर एंटरटेनर्स। और वो कॉमिक सुपरस्टार्स इसलिए हैं क्योंकि न वो सिर्फ हंसा सकते हैं, वो अभिनय भी करते हैं, वो नाचते भी हैं, वो गाते भी हैं, वो रैंप वॉक भी करते हैं, वो स्पॉन्टेनियस भी हैं, उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, और जब वो मंच पर आते हैं और जब वो खड़े होते हैं और आपसे बातचीत करते हैं या अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो आपको इंगेज कर लेते हैं, सो दे एंटरटेन यू इन दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए ये बहुत मुकम्मल एंटरटेनर्स हैं, और एंटरटेनमेंट वही होगा जब मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ या कोई आपसे कुछ कह रहा है, उस वक्त आप सिर्फ उसकी और उसकी बात सुन रहे हैं और किसी की नहीं। How would you define good comedy and who are your favorite comedians and entertainers? This genre of comedy do you really like yourself? I don't have a typical favorite. I'm a Tintin girl. I've grown up on Archie's and Tintin, and then I started seeing characters and fell in love with Mr. Beans. It was evolving. To me, comedy isn't about a performer. It's about a situation and a performer.
when that situation is well placed, comedy becomes very natural. The timing becomes very natural of everything. So I'm a big Mr. Bean's fan. I'm a Bhaman Irani fan. So if you want to know my space of what kind of, I like situational stuff. I don't like things that are bone tickling, zabardasti haso. If I don't find something funny, I don't laugh. But then when I do, somebody has to hold my chair. They've done this, by the way, on the show. Okay, aap kya kare, gir jayenge, gir jayenge. And I've really like laughed. Jo cheez aap zindagi se uthakar, real life, chahe wo aapke boss ho, jiski ek bahut hi irritating habit ho, aur aapne wo bade precision ke saath copy kar liya, it'll be very funny. But jab hum situations create karte hain, so you asking me what kind of genre? That's the kind of genre I like. Situational comedy. I like comedy which is one-on-one. That's why in Comedy Superstar, when you see the stand-up portion of the show, you'll be blown away. Because ek performer stage pe khade hokar 6 minute baat kar raha hai. Without a script or a prompter or anything. Aur hum jaanboojh ke beech mein tok rahe hain. Baat karne ki koshish kar rahe hain performer se. Ke dekhen wo, does he get thrown off? Bhool jaye apna script. But no. They came back with a repartee. And that repartee was even better than the script they were doing. So that to me is great comedy. It's situational, it's timing, and it's having the freedom and the confidence to express yourself. Very Mr. Beans, very Charlie Chaplin, very with it. Ugh. Do I watch comedy shows? Sir? Do I watch comedy shows? No, sir. Sir, no, sir. No, I didn't watch this one, sir. I'm going to start watching it on the 22nd. Before that, we were involved in shooting it. No, I watch a lot of English series, which are, well, comedy by nature of, again, being situational. But no, no particular show, Sandeep. Yeah, hi. You have any particular show? Smart one. Tariq Mehta. Tariq Mehta. Tariq Mehta. Sony, sir. So yeah, my question is to you all of the judges, since you all are the number one entertainers of the industry, you have been and you all are, so which is the easier and tough, tougher part of the thing, is it judging or performing in front of the audience like? Dekhiye, duniya mein kuch bhi aap karein, koi cheez aasan nahi hoti, chahe aap wo judge karein, chahe aap channel chalayein, चाहे आप प्रोडक्शन हाउस चलाएं, चाहे आप परफॉर्म करें, हर चीज़ अपनी मुश्किलात के साथ आती है और वो एक विधा होती है जो आपको सीखनी पड़ती है. तो ये कह दें कि जज क्या करते हैं, या कुर्सी बैठते हैं, तालियां बजाते हैं, चले जाते हैं, ये नहीं है. क्योंकि जज की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उनके ज़रिए बहुत सारी बातें जो आप कहते हैं वो समाज को, समाज तक पहुँचती हैं और देश तक पहुँचती हैं. इसलिए जजमेंट जो है, या जज जो रहता है, जो अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है, वो एक बहुत बारीक काम है और बहुत महीन काम है, जिसे बहुत एहतियात से और बहुत सोच समझ के करना पड़ता है. वो उतना ही मुश्किल है. लेकिन जब आप परफॉर्म करने जाते हैं तो वो भी सडनली बहुत मुश्किल लगता है, कठिन लगता है. इतने सारे लोग बैठे हैं और आप एक मकसद से आएँ, उनको हंसाना है, रुलाना वगैरह जो भी करना है, तो उसकी विधा जब आपको जब तक नहीं आती, आप कर नहीं पाएंगे. कुछ लोग कहते हैं, हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि फिल्म मुश्किल है या मंच मुश्किल है या टेलीविज़न मुश्किल है. हर की अपनी एक एक लिमिटेशंस है, हर की अपनी एक आज़ादी है. तो काम कोई भी सरल नहीं है, उस काम को सीखना पड़ता है और हर काम सीखने के लिए उसका रियाज करना बहुत ज़रूरी है. ओके, पोस्ट द फोटो ऑप्स, द इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स कैन देन स्पीक टू द जजेस ऑन द स्टेज.
अभी बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है, मेरा फर्स्ट टाइम था टेलीविज़न पे, लेकिन मुझे लगता है टेलीविज़न बहुत यू नो थकाता है बहुत, लेकिन जब शेखर सर और सुष्मिता जैसे कमाल के जजेस हों, दोस्त हों साथ में, तो पता नहीं चलता कैसे भी यू नो टाइम बीतता रहा पूरा। सीखने को बहुत कुछ मिला सर से, और हम लोग साथ में वर्कआउट करते रहे जिम में, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि यू नो वी विल जज अ शो टुगेदर, बट आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस सबके साथ काम करके, एंड आई वुड से वन ऑफ माय मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस एवर। बोलते हैं कि जैसे दो बड़ी फिल्में अगर अच्छी हों और एक ही दिन रिलीज हो तो दोनों सुपर हिट होती हैं, तो इट्स नाइस। मैं कहता हूँ और बहुत सारे शोज आए और ऐसी प्राइम टाइम्स पे हैं, सब चैनल्स पे हैं, और जो अच्छा होगा सब लोग देखे। हर शो का अपना एक मिजाज होता है, या और जो मिजाज आपको पसंद है वो शो आप देख लेंगे, तो कुछ लोग ये शो पसंद करें, कुछ लोग कुछ दोनों, कुछ आधा ये देख लें, कुछ आधा वो देख लें। एंड द लेडी जॉइंट, ये देखा सोनू पहले इतने लंबे हैं, फिर मुझे कहते हैं और नीचे आ जाओ, नहीं मैं यहाँ से बात करूंगी। नहीं आएगी जान, नहीं नहीं किसी खास शो के लिए नहीं कहा था, एक जनरल जो माहौल बना हुआ है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि उसमें अश्लीलता बहुत आ गई, हंसी की होड़ में बहुत लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उसकी तरफ मेरा इशारा था, किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास शो पे नहीं, एक जनरल माहौल ऐसा बन गया है जो कि नहीं होना चाहिए। मैं देखिए गंदी जबान और औरों की मजाक उड़ाकर किसी को हंसाना बहुत आसान है, और उसके लिए टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती, रास्ते पे कोई भी कर सकता है, और ज़्यादातर लोगों को हम ऐसे बदमाश और बदतमीज़ कहते हैं, पर टीवी पर आकर एक इतने बड़े ऑडियंस के सामने एक पूरे परिवार की सेंसिबिलिटी को इस तरह से बेइज्जत करना बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई टैलेंट वाली बात है ही नहीं। तो इस शो पर हम तीनों को ये कहा गया था कि एक एक शब्द पर ध्यान दिया जाएगा, कि एक शब्द के अगर दो मायने हो वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं होगा, और बड़े गर्व के साथ आपको ये बताने में खुशी हो रही है कि इस पूरे शो में आपको वो सफाई, वो ईमानदारी, वो मेहनत दिखेगी जो एक स्क्रिप्ट लेवल पर और एक परफॉर्मेंस लेवल पर एक इंसान को बांध कर आज़ाद कर देती है। सो बहुत इज्जत है, आई फील ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर दिस शो, बिकॉज आप छोटे से छोटे बच्चे को लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग के साथ बैठकर ये शो देख सकते हैं। मैं बिल्कुल अग्री करूँगा, यू नो जो हम लोग शोज देखते हैं खासकर जब पूरा परिवार एक साथ देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ आपको थोड़ा सा कंफर्ट लेवल में तकलीफ होती है, यू नो कुछ ऐसे जोक्स होते हैं या कुछ ऐसे लाइंस क्रॉस की जाती हैं, लेकिन वी फील प्राउड कि हम एक ऐसे शो का हिस्सा हैं जो यू नो आप पूरा परिवार एक साथ बैठेगा और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ बोली गई है जो शायद इन शोज़ पे ना बोली जाए, क्योंकि खासकर जितने कॉमेडी के शोज़ हैं तो पूरा फैमिलीज पूरी फैमिलीज एक साथ बैठ कर देखती हैं, और आई फील कि खासकर इंडियन टेलीविज़न में जब इन शोज़ को बनाया जाता है तो परिवारों को दे टारगेटेड, एंड वी हैव टू टेक केयर कि वो लाइन्स ना कभी क्रॉस हों और जो एंटरटेनमेंट है वो दायरों में ही बना है। अंधों में काना राजा किसको बनना है? बहुत अच्छी बात है। क्या होता है देखिए, कोई भी शो की जब मोनोपोली हो तो ऑडियंस का सबसे बड़ा नुकसान होता है, और जो आपको अच्छा लगे, जो आपके फनी बोन्स को टिकल करे, आप वो शो देखिए। बट हमारी ये आपसे बड़ी दिल से ख्वाहिश है कि जब आप कॉमेडी सुपरस्टार का ये सीज़न पहली दफ़ा देखना शुरू करें, सी इट विद एन ओपन हार्ट, बिकॉज इसमें हर किसी ने परफॉर्मेंस से लेकर हम सब ने, क्रिएटिव टीम ने मेहनत से ज़्यादा ईमानदारी बहुत डाली, यू नो इट्स जस्ट हु वी आर, एंड आई होप दैट वर्क्स। एंड या कपिल, आई लव यू कपिल, आई लव। और शब्दों का चयन भी मैं कह रहा हूँ कि इस शो में आपको
साला या साले शब्द का प्रयोग भी कहीं नहीं किया गया, जो अक्सर लोग कॉमेडी में करते हैं जब एक दूसरे कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं, साला शब्द का भी प्रयोग नहीं है और कोई द्विअर्थी कहीं कुछ ऐसी अश्लीलता मैंने कहा जो भी क्योंकि सब बच्चे सबसे पहले वो वर्ड पिकअप करते हैं घर में जब सबसे पहले और वो फिर बोलना शुरू करते हैं पूरे घर में या दोस्तों के साथ या माँ बाप के साथ बोलते हैं, सबको एम्बैरेसमेंट होती है। अक्सर आप देखेंगे ऐसा कुछ शो होता है जहाँ कुछ इस तरह की बेहुदा हरकत होती है तो बाकी जो लोग बैठे हैं ऐसे पीछे होकर एक दूसरे को देखते हैं कि भाई निकल लो यहाँ से, अब ये देखने वाले नहीं कि माँ बाप सामने बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि इसको देख के पड़ोस भी आ जाएंगे, साथ में शामिल हो जाएंगे जिनके पास टीवी सेस नहीं है, ख़राब है, और साथ मिलकर शो देखेंगे। और ह्यूमर वही अच्छा है, कॉमेडी वही अच्छी है जो क्लीन हो और जो हेल्दी हो, जिसको सब लोग मिलकर। एक और कमाल चीज़ आपको मैं बताऊँ इस शो पर, यूजली शोज पर जब कंटेस्टेंट्स का एलिमिनेशन होता है, जब उन्हें कॉम्पिटिशन से निकाल दिया जाता है, बहुत रोना धोना होता है, लोग परेशान होते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हुए जाते हैं। यहाँ पर जजेस रो रहे थे, क्रिएटिव टीम रो रहा था, कंटेस्टेंट रो रहा था, लेकिन जाते जाते हर किसी को इतना इज्जत देखे गए सब, दैट यू काइंड ऑफ फेल्ट लाइक आप एक ऐसे शो का, एक ऐसे क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा हो जो ना ही एक कमाल का टैलेंट ढूंढ रहा हो ढूंढ रहा है, बट एक ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो एक अच्छी मिसाल बन सके, and that you'll find in the show a lot. Yes, Jan. Sushmita, it is said that a man who can make a woman laugh often ends up winning her love. Has there ever been any special man in your life? No, such a man doesn't exist. sorry. I mean, except him. हम लोग ऐसे ही ख्याली पुलाव बना रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और that was a good question, though. So you mean to say men are not funny, or you haven't? No, sweetheart, they're not consistently funny. If there was a man that I found consistently funny, he would be Mr. Sen. Wow. I'm a brat, no? I'd be married to that man. और एक बात, एक बड़ी खास बात इस शो की है कि अक्सर आप लोगों ने देखा और ये सवाल पता नहीं क्यों नहीं आया कि जजेस को जब बिठाया जाता है, जजेस की अपनी एक गरिमा होती है, जजेस का अपना एक तजुर्बा होता है, एक नॉलेज, एक विजडम, जिनकी वजह से उनको वो कुर्सी के हकदार बनते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग हत्थे से उखड़ के या मर्यादा के दायरे से बाहर आके जो अमर्यादित आचरण का जो इजहार होता है, दिस इज द हिंदी आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मैंने शो पे पहली दफा सुना है और मैंने बहुत कोशिश की है कि इट रब्स ऑफ ऑन मी अ लिटिल बिट। नहीं, ये बहुत काफी रब हुई है, मैंने कहा कि यू नो मॉडेस्टी ब्लेस, बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करिए, बहुत अच्छी हिंदी बोलती है और बहुत कमाल का बोला है, और हिंदी नहीं, उर्दू, अंग्रेजी, सब जितना कुछ है ये सब जो है ना बहुत मुकम्मल तरीके से उन्होंने कहा। मैं ये कह रहा था कि जजेस को जब बिठा दिया जाता है और फिर उन्हीं जजेस का तिरस्कार किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, इस तरह की बात और इस तरह की छोटी और ओछी बातें उनके बारे में की जाती हैं कि देखने वाला भी शर्मा जाता है। मैं कई अभी शोज़ अभी देख चुका हूँ, एक डांसिंग शो था जिसमें एक बहुत बड़े लेखक को बैठाया गया और उनका इतना अपमान किया गया, और मैं समझता हूँ कि जिनका अपमान हो रहा उसको सबसे बड़े खड़े होकर ऑब्जेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये आप नहीं कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि अगर आप अलाउ करेंगे और चैनल अलाउ करेगा और लोग अलाउ करेंगे तो शो पे ऐसा कुछ भी नहीं करके देखिए, मजाक साथ में कर लेना चूहलबाजी और उनका मजाक उड़ाना दो अलग बातें, यू कैन हैव फन विद देम, यू कांट मेक फन ऑफ देम। तो वो जो उनकी एक गरिमा है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीपल आर लुकिंग अप टू देम। मैंने कहा कि उनके जरिए समाज में बहुत सारे संदेश और संकेत जा रहे हैं, उनका मजाक नहीं उड़ा सकते, उनके बारे में गलत बातें नहीं कर सकते, और ये इस शो में बताने की भी ज़रूरत नहीं हुई, वो अपने आप वो मर्यादा की सीमा में रहे वो आचरण, और वो दो तरफा था, ऐसा भी नहीं कि कहीं किसी ने ख़राब किया और जजेस पिल पड़े हैं और कह रहे हैं कि तुम कहाँ से उठ के आ गए और तुम क्या करते हो, ऐसा कुछ नहीं। इट्स अ टू वे ट्रैफिक ऑलवेज, व्हेन यू रिस्पेक्ट ईच अदर इट हैज़ टू बी बोथ वेज, और ये रहा है इस शो में। और सबसे बड़ी खासियत और ये बात कि हम लोग अलग अलग मिजाज के होते हुए भी एक मिजाज के, ये डाइकोटोमी भी आप बहुत अजीब सी बात है कि हम लोग में कभी हल्का फुल्का यू नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब हम किसी कंटेस्टेंट के बारे में yes. कुछ कहते थे एक जैसा ही कहते थे, भले ही शब्द अलग अलग रहे हो, पैराफ्रेजिंग रही हो, लेकिन हमारा ख्याल जो है किसी कंटेस्टेंट के लिए बराबर रहता था कि हाँ यहाँ इन्होंने गलती की है, ये कमी है, ये ऐसा नहीं होता था, नहीं ये बहुत अच्छे हैं, नहीं ये बहुत ख़राब, ऐसा कभी नहीं। ना कोई स्टेज मैनेज कोई लड़ाई जो अक्सर कराते हैं, जो बहुत बचकानी लगती हैं चीज़ें कि बड़े पढ़े लिखे लोग आपस में लड़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका, इसलिए पूरी शालीनता और सभ्यता के साथ ये शो किया गया, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ द शो। आप तीनों बहुत ही बड़े एंटरटेनर, कैसे किया? हमने नहीं किया, कंटेस्टेंट्स ढूंढे गए पूरे देश से, छोटे छोटे शहरों में, ऑडिशन हुए पंजाब से पंजाब से पंजाब से बिहार से, पूरी तरह से साइड किया गया, हाँ
बंगाल में भी ढूंढे, बंगाल में भी ढूंढ रहे थे, वहाँ भी पंजाबी मिल रहे थे। तभी बिहार और बंगाल एक साथ हो गए। जी हो सकता है, हो सकता है वो ऐसा सोचते हैं और इसीलिए करते हैं। लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ झगड़े तू तू मैं चिल्लाना, ये तो टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये मेरा आपका कंसीडर मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो आजकल रियलिटी शो बन रहे, बड़े लाफ्टर शो हो, डांसिंग शो हो, जो रेस चालू है इसके बारे में आपको क्या कहते हैं? आपको लगता है कि रेस इट्स गोइंग लिटिल बिट डर्टी और समथिंग लाइक? नहीं, मैं एक चीज़ हम लोग कई बार यू नो जब हमने ये शो जज किया तो हमारे कई दोस्त थे, वो पूछते थे कि यार कई बार हमें हंसी नहीं आती तो जजेस बड़े हंसते हैं यार, क्या आप लोगों को भी ऐसे हंसना पड़ेगा बिना हंसी आए हुए? तो हमने यार हमारे लिए भी वही सवाल था, यू नो व्हेन यू सेट एज अ जज अगर किसी ने गैग मारा और उतना वो अच्छा नहीं है तो हम नहीं हंसते थे, एंड वी शुड टेल देम कि बॉस ये आप जो कर रहे हो हंसाने की कोशिश कर रहे हो, हमें इन चीज़ों पे हंसी नहीं आ रही है, सो जस्ट आप तैयार हो जाएं। और अगर इसमें सोनू जी सबसे ज़्यादा जेंटल हुआ करते थे, बहुत बढ़िया था, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम, बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। पंजाब से थे लोग यार, पंजाब से थे। हां, इट्स अ फैक्ट। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव यू। कितने अच्छे, क्या स्मार्ट लगा यार तू आज, शर्ट अच्छी लग रही है, इसकी आवाज चेक चेक शर्ट सुपर मैन, अमेजिंग, इन लाइन विद फैशन, बट इज अ स्वीट हार्ट, टेरिफिक, इज अ स्वीट हार्ट। हां, बोल जा। Oh my God! We'll go as the tallest show, definitely. Yeah. Yes. Well, the tallest show, and I also think people mistake height to be a matter of measure of being tall. You have to be people who are tall. They carry themselves tall. तालियाँ इस बात पे बजाइए आप लोग, right? इतनी अच्छी-अच्छी बातें हो रही हैं। चाहे वो धारवी हो, चाहे बिहार का कोई गांव हो, चाहे मिस्टर बराक ओबामा हो। हाँ. Anyone can melt by your hug. Oh, le meri jaan. You want one right now? After this. I just got embarrassed. Poor thing. Don't do that to him. I'm going to give you a hug immediately. Is there a question in that? As you know, we're not very political people. हम बड़े serious आदमी लोग हैं और आप बहुत सालों से जानते हैं हमें. You guys have done a lot for us over the years as members of media, but more importantly as human beings, just as people who have kept in touch and done good. Thank you very much for coming today and for making this so very special. And asking all the right questions. Everybody go back home, taali bajane ki thodi si aadat daalenge, and then we're going to be back to see you again at a different venue and time. Bahut bahut shukriya. Comedy superstar part 2. पंजाबी में तो ये मारेंगे सब मेरे को पकड़ के। सर 15 अगस्त। 15 अगस्त। He's saying पंजाबी में जो कहने हैं, saying 15 अगस्त के बारे में बात करते हैं। First of all, wishing every proud Indian around the world, not just in India, very happy Independence Day. Independence क्या है? Independence हमारी legacy है, हमारा basic human right है, हमारी पहचान है, क्योंकि not just being an Indian as a human being, it's your right to be independent and free. So enjoy that, be responsible about it, and may God bless you all. Thank you for listening. आजादी दिवस सबको मुबारक हो, और आजादी वो है जो यहाँ से भी जो आजाद हैं, जो मन से आजाद हैं, जो अपने विचारों से आजाद हैं, उस आजादी की ओर हमें बढ़ना चाहिए। आजादी जो हमें मिली है इतनी शहादत के बाद, हमारे पुरखे और देश के सेनानी जो लड़े, उस वो एक धरोहर है जिसे हमें संभाल के रखना है। और ये भी कि इस आज़ादी को, इस आज़ादी का मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन हर ज़माने के साथ हमें करते रहना है, और इस आज़ादी को समझना है कि आज़ादी जो हमें लगता है बहुत आसानी से मिल गई, इसके लिए सैकड़ों लोगों ने खून बहाया, तो ये आज़ादी हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, इसको संभाल के रखना है, और अपनी मन की आज़ादी को हमेशा बनाए रखिए, तभी आप आज़ाद हिंद के जनता कहलाएंगे और इस देश के वासी के। वेरी नाइस सर। एंड यू नो आई फील दैट यू नो एज किड्स हम लोगों को बहुत आज़ादी के बारे में बताया गया, हम लोगों को बहुत सिखाया जाता था, बट द न्यू जनरेशन हु इज इनटू गैजेट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, दे आर नॉट टू अवेयर कि व्हाट 15 अगस्त मीन्स टू अस। आई थिंक एज यू नो एज इंडियंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम उन्हें बताएं कि 15 अगस्त की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इंडिविजुअल्स कि आने वाली जनरेशन को हम इस
इस दिन का, इस तारीख का अहमियत ज़रूर बताएं. सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. ऑल ऑफ यू. थैंक यू. जय हिंद. लव यू गाइस. थैंक यू.